हमारा पूरे देश में ये अल्पसंख्यक समाज के लिए उनके वेलफेयर्स के लिए जितनी स्कीम बनी है वो उसमें से हमारे पास 15 पॉइंट प्रोग्राम है। तो जैसे मेरे पास पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली था पहले, अब मेरे पास और यूपी के 32 डिस्ट्रिक्ट थे, अब मेरे पास छत्तीसगढ़ हो गया। तो मेरा जाने का मकसद है वहाँ के मिनोरिटी के लोगों को मिलना, उनकी बातचीत सुनना, अगर उनको भी मुश्किल आती है तो उसका निवारण कराना। और इसके अलावा हमारे 15 पॉइंट प्रोग्राम है, ये हमने एक बुकलेट भी अपने जो कमीशन की तरफ से छोटी सी बनाई है, इसमें जितनी जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मैट का मीन्स, नया सवेरा, नई मंजिल, नई उड़ान, जियो पारसी और पढ़ो प्रदेश और जो महिलाओं के लिए बनी है स्कीम्स हैं जो सभी इसमें दी हुई है, नई रोशनी, जियो पारसी, हमारी धरोहर। तो हमारे जितने अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं उनको मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर वो कोई अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी शिक्षाओं में, सभी एजुकेशन में उनको स्कॉलरशिप मिलता है एज ए अल्पसंख्यक, एज ए उनको मिनोरिटी के नाते, चाहे वो अपना फर्स्ट कक्षा से लेके पीएचडी करे कोई, और उसके अलावा कोई प्रोफेशनल कोर्सेज भी करे, उनको भी मैट कम मीन्स के तहत मिलता है। इसके अलावा कोई कंपटीशन की तैयारी, जैसे एमबीबीएस में दाखिला लेना तो उसकी तैयारी करनी, उसके लिए भी प्रावधान है। और इसके आगे कोई अपने सर्वस्व में जाना चाहता है, उसके कंपटीशन लड़ना है तो उसके में उसमें भी प्रावधान है। हमारे बच्चे विदेश में को पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए लोन और लोन पर इंटरेस्ट 3-4% जो वो केंद्र की तरफ से दिया जाता है। हमारे पूरे देश भर में 308 जिले हैं डोमिनेटेड बाय मिनोरिटीज, तो उसमें हमने जैसे आपके हरियाणा के 7 हैं और यूपी के 21 हैं, पंजाब के केवल 2 हैं जिसमें गुरदासपुर और दूसरा क्या नाम है संगरूर का मलेरकोटला के 2 ब्लॉक है, मलेरकोटला 1 और मलेरकोटला 2। ऐसा कोई करता है, आपको याद होगा आई एम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जब एक बार 12 में मैं कांग्रेस ने ऐसे ये परंपरा रखा था कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, एक दिन में बंगलौर से 3 गाड़ियाँ गई थी, तो उस समय हमारे अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने आह्वान किया तो 12 लोगों की टीम बनी, तो 12 लोगों में से मैं एक था जिसमें आलूवालिया जी थे और सब लोग हम गए, और नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से मैं गए, मेरे वाली टीम नागालैंड में गई थी। तो हमने उनको कहा कि आप अपने बच्चों को वहां भेजिए, अगर कोई ऐसी बात करता है, कोई जहां पर हमारी सरकारें है सरकारें मदद करेंगी, जहां पर सरकारें नहीं है हमारा कार्यकर्ता मदद करेगा। मैं आपको श्योर करता हूं अगर कोई व्यक्ति सही है तो उनको पूरा उनका मान सम्मान से एज ए नागरिक के नाते रहने का हक है, पढ़ने का हक है। हाँ कोई उसमें जैसे अभी हिमाचल का ही है, किसी ने पोस्ट डाली है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, ऐसा कोई है तत्व तो उसके अगेंस्ट तो जरूर लीगल एक्शन होना चाहिए। अगर कोई सही है तो उसको मैं ये आह्वान बेनती रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को कि हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए पढ़ने दिया जाए, अगर कोई अपना कोर्सेज कर रहे तो कोर्सेज करें विदाउट एनी फियर। और बाकी है कि अगर कोई ऐसे संदेह है, व्यक्ति शक्की व्यक्ति है, तो फिर उस पर कोई कार्रवाई करता है, सरकार करती है, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेती है, तो उसमें हमें कोई ज़्यादा कहने की नहीं है, तो उस पर होना ही चाहिए, क्यों कोई भी है कानून के आगे सबके लिए बराबर है। तो बाकी किसी के पास ऐसे अल्पसंख्यक के नाते किसी को ये लगता कि मेरे को ऐसे उन्होंने किया तो मेरे को प्लीज़ आप 2 लाइनें लेके या वैसे टेलीफोनिक बता दो तो आई विल टॉक टू दैट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन चाहे कोई अम्बाला जिला है चाहे कोई और जिला है, तो मैं उस प्रशासन से उनके साथ बात करूँगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए जींद से राजेश रावल की रिपोर्ट।